हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जाने वाले हैं खेत, क्योंकि आज हम लोग का धान कटने वाला है। तो धान कटने के लिए एक बड़ा मशीन आता है जिसको हम लोग हार्वेस्टर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, वही मशीन से आज हम लोग का धान कटने वाला है। तो फ्रेंड्स, उस मशीन में खासियत यही है कि उसमें जो धान होता है वो अलग हो जाता है, उसके जो मतलब पेड़ होते हैं वो अलग हो जाता है। तो उसका पेड़ पीछे से गिरता है, धान उसमें जमा रहता है। जब लास्ट में सब धान कट जाता है, उसके बाद एक ट्रैक्टर में उसको लोड करके लेके आया जाता है। और फ्रेंड्स, पहले क्या होता था, पहले धान को मतलब बहुत आदमी मिल के काटते थे। काटने के बाद उसको जमा करने के बाद एक छोटा सा मशीन मिलता है, उसी में जाके मतलब धान काटना पड़ता है, धान उसमें से निकालना पड़ता था। तो इसमें बहुत दिन लगता था, कम से कम 1.5 से 2 दिन व 3 दिन। और इस मशीन से कम से कम 1 घंटे में आपका धान भी कटाई हो जाता है, और मतलब उसमें से धान भी निकल जाता है और घर पे भी पहुंच जाता है। तो जिसका जैसा है, तो हम लोग का 1 घंटे से कम ही समय लगता है, 1 घंटे लगता है नहीं। तो फ्रेंड्स, चलिए आपको वीडियो पे आगे सब कुछ जानकारी मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
तो फ्रेंड्स सारे धान कट चुके हैं, अब बारी है ट्रैक्टर में लोड करने की। तो अब ट्रैक्टर को मतलब इसके नीचे लगाया जाएगा जो बड़ा सा खंभा है, और उसके बाद पूरा मतलब जितने धान कटे हैं उनका सब धान इस ट्रैक्टर पे लोड होगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे मतलब लोड होता है, और देखते रहिए इस वीडियो को। फाइनली लोडिंग हो चुका है ट्रैक्टर पे, और अब हम लोग जा रहे हैं घर। उसको घर पे ले जाके फिर ट्रैक्टर को अनलोडिंग किया जाएगा, उसके बाद ये ट्रैक्टर अपना चला जाएगा। तो चलिए देखते रहिए इस वीडियो पे और बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं कि कैसे अनलोडिंग होता है।
हेलो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग का घर पे धान पहुंच चुका है। तो आप फ्रेंड्स उस धान को कम से कम 3 से 4 दिन धुपा पे सुखाना पड़ेगा। सुखाने के बाद उसको मतलब बाजार पे जाके सेल किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और फिर मिलते हैं इसके अगले वीडियो पे। टाटा।